मैं उस बारे में बात करती हूँ, उन्हें याद दिलाती हूँ कि ही वॉज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी वाइल हैविंग लंच. इट्स लाइक आई वॉज इनविजिबल फॉर हिम. चलो हेलो बोल के फटाफट वहाँ से भाग जाऊंगी. मैं शायद 3 बजे तक वहाँ थी. हाँ बहन चुगली करें, बताओ गॉसिप, बताओ गॉसिप, ऐसी गॉसिप बताई कि हम दोनों की गॉसिप बन गई. हाय, ये है संगीता और ये है मनीष और आप देख रहे हैं तेरी मेरी कहानी ऑन टेली मसाला. इट वॉज मैंने इतना इम्पोर्टेंस कभी किसी लड़की को पूरी जिंदगी में नहीं दिया है जो पहली बार इसको दिया था. मैं सेट पे घुसा, मैं अराउंड 2 हफ्ते शूट किया लेकिन इसको देखा तक नहीं. इतना अच्छा इंटरेक्शन था वो कि आज तक वो बंदी मुझे कोसती है उसके लिए. जब मैं उस बारे में बात करती हूँ, उन्हें याद दिलाती हूँ कि ही वॉज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी वाइल हैविंग लंच. इट्स लाइक आई वॉज इनविजिबल फॉर हिम. मैं दिखाई नहीं दी. ग्रेट फर्स्ट मीटिंग. या और जिसको मैं फर्स्ट मीटिंग अब कंसिडर करती हूँ वो भी आप ही बताओ. फर्स्ट मीटिंग जो कंसिडर करते हैं बिकॉज ये एकदम दिस वॉज नल एंड वॉइड बिकॉज हम लोग लिटरली मिले ही नहीं थे सेट पे. वॉज सुचित्रा पिल्लेस पार्टी वेयर हम दोनों मिले एंड लाइक मैं बोर हो रहा था या वहाँ भटक रहा था क्योंकि आई डोंट नो एनीबडी एक्सेप्ट सूची मैम. वो बहुत स्वीट थी, हर जगह मुझे साथ में घुमा रही थी. देन सडनली आई वाज लाइक अरे चल कंपनी मिल गई. हाँ, और मैं वहाँ पर गई थी सिर्फ सब लोगों को हेलो बोलने के लिए क्योंकि स्वाभिमान के बाद में शायद पहली बार हम सब मिलने वाले थे सारा कास्ट. और मैंने कहा चलो हेलो बोल के फटाफट वहाँ से भाग जाऊँगी. मैं शायद 3 बजे तक वहाँ थी और आज तक नहीं निकल पाई उस चक्कर से. हम आज तक चुगलियाँ कर रहे हैं. ओ या मेरी माय पिकअप लाइन टू हर वाज नॉट अ पिकअप लाइन बट अरे यार इसको ये बड़ी क्लोज काइंड ऑफ अ पर्सन तो इसके लिए इसको खुलवाने के लिए मैंने क्या करिए इधर आओ बहन चुगली करें बताओ गॉसिप बताओ गॉसिप ऐसी गॉसिप बताई कि हम दोनों की गॉसिप बन गई. आउच. ओप्स. नहीं 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 ये ना हो पाएगा. नहीं बताना बताना. मैं भी जानना चाहता हूं. ठीक है चलो आई कैन. मनुष्यत के हद कहां तक जा सकती है प्यार से. सो या ही मैंने ये सुन रखा था लाइक ही इज वेरी चार्मिंग एंड ही इज अ कैसानोवा एंड यू नो द इमेज दैट आई एम सॉरी नहीं बोलना था. इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन था मैंने सुना था. बहुत सदोरी और अच्छी लड़की है. दैट्स इट. अगला सवाल. पागल है क्या? नहीं तो मैंने इसे सुन रखा था. सब अफवाहें थी. सारी अफवाहें. सब अफवाहें. हाँ. अगला सवाल. और ये था कि सवाल सीनियर एक्टर एंड ऑल दैट. सो या इंप्रेशन कुछ इस तरह का ही था कि मैं बात करूं तो कैसे. नहीं नहीं बात नहीं हो पाई. गुड गुड. अगला सवाल. पहले ही दिन पे वी बॉन्डेड रियली वेल. तो मतलब जहाँ हम लोग 5-5 मिनट में पार्टी में निकलने वाले थे वहाँ हम लोग रात के 3 बजे तक बैठ के सिर्फ बाहर बातें कर रहे थे. वहीं से बॉन्ड बनना शुरू हुआ और स्ट्रॉन्ग. आई बिलीव इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज हम लोग लाइक आई यूज़ टू मैं इसको ड्राइव के लिए बाहर लेके जाता था. शी लव्स मून और स्टार्स को देखना है. इसको पसंद है, मुझे भी पसंद है. तो हम लोग एक हिल टॉप पर गाड़ी लगा के बैठते थे एंड स्टार्स देखते थे और वहीं बैठ के बातें करते थे. वहीं से एक्चुअल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ. There are no secrets between us. We're like very casually. हम लोग आके एक दूसरे को सब बता देते हैं because I believe all touch wood काफी लोग इसके लिए surprise भी रहते हैं. इसका भाई काफी surprise था. हम दोनों की बातें सुन के थे तुम लोग इतना openly बात करते हो ना. हम लोग हम इतने openly बात करते हैं तभी सुखी है नहीं तो फिर बन जाते थे अभी तक husband wife. Yeah. Real वाले झगड़ने वाले. She's a very simple person. That's what I like about her. बहुत ही बेसिक और सिंपल पर्सन है. इसको मतलब इसका बेड साफ दे दो, खाने के लिए अच्छा दे दो, घूमने के लिए अच्छा दे दो, बस इसकी लाइफ सॉर्टेड है. इसको और कुछ नहीं चाहिए. एंड दैट इज़ वन दिस यू नो किसी के बारे में ना गंदा बोलना है ना कुछ गंदा सुनना है. शी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑल दैट वर्ल्ड. दैट इज़ वन. सेकेंड इज शी इज़ ऑनेस्ट. वो भारी पड़ जाते कई बार. हाँ वो बहुत भारी पड़ता है मुझे तो लेकिन नो आई मेरे को एक कई बार है ना मैं ट्विंकल खन्ना के इंटरव्यूज देखता हूँ और मुझे इसकी याद आती है कि शी इज़ आई हैव सीन हर बीइंग सो ब्लंट एंड ऑनेस्ट कि एवरीबडी हैज़ टू कवर लाइक चुप बैठ यार क्या करिए कैमरा है सामने मरवा देगी. ये सब इसके साथ मेरे साथ बहुत बहुत बार होता है तो ये बहुत ऑनेस्टली बात करती है. सो आई थॉट कि यार मैंने आई सॉ ट्विंकल खन्नाज इंटरव्यू ट्विंकल मैम इंटरव्यू एंड अभी देख यार ऐसी तो मेरी भी लगने वाली है.
देयर आर सो मेनी एक्चुअली. दो कौन सी बताओ? मैंने बोला झूठ नहीं बोलती. देयर आर सो मेनी. या या सीरियसली देयर आर सो मेनी. सो ओके सो एक के ही इज ये ना सच में दिल से बिल्कुल बच्चे हैं और एंड एट द सेम टाइम ही इज वेरी मैच्योर. मतलब इनके आसपास में हमेशा हंसी खुशी हमेशा पॉजिटिविटी रहती है बिकॉज ही इज़ दैट चाइल्ड. और एट द सेम टाइम वो इतने मैच्योर है कि ये मेरा भी ख्याल रख लेते हैं. मतलब मुझे हमेशा लगता था कि मैं शायद सबका ख्याल रख सकती हूँ लेकिन नहीं, असल में मुझे किसी की ज़रूरत थी जो मेरा ख्याल रख सके एंड ही इज़ द राइट पर्सन. सो वन इज़ दैट एंड दूसरा ही इज़ ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट. सो विथ मी ही इज़ एब्सोल्यूटली ट्रूथफुल. कुछ भी होता है हम बैठ के बात करते हैं. यू नो देर आर सो मेनी अदर थिंग्स बट राइट नाउ दीज आर द टू थिंग्स आई कैन थिंक अबाउट. इसका मतलब है मैं कमाल का झूठ हूँ? आज तक इसको पता नहीं चला कि मैं ऑनेस्ट हूँ कि नहीं हूँ. नहीं नहीं मेरे साथ तो हो ना. अगला सवाल. His phone, laptop, any gadget, he will never be free. If he is free, he will make sure कि अब वो कुछ नया काम शुरू कर दे. और इनका फ़ोन और लैपटॉप हमेशा इनके हाथ में होता है. स्टार्ट्स राइटिंग और वॉचिंग समथिंग. सो ही इज़ ऑलवेज डूइंग समथिंग. नहीं तो ही विल स्लीप. उसके बाद भी बहुत चीज़ें हैं. ईट देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट. खाने में दिमाग भी खाता हूँ मैं. ये जब फ्री रहती है तो ये बाहर बैल्कनी में जाके सन मून स्टार्स बेसिकली शी लव्स बीइंग इन नेचर. तो ये नेचर को ताड़ेगी या क्या? और दूसरी चीज़ है ये टीवी चला के बैठ के टीवी देखेगी बच्चों से. और इसका ये दो ही शौक है. मतलब कुछ ना कुछ देखती रहती है. बोलने वाले का शौक ही नहीं है इसको. हाँ एक्चुअली हमारी शादी लॉकडाउन में होती है तो मैं सारा टाइम घर पे थी. अगर मैं घर पे नहीं होती हूँ फ्री होती हूँ तो क्या करती हूँ ये उनको अब पता चलेगा. लाइक 10 मिनट्स आई यूज्ड टू बी लेट. मैं भी डेलिबरेटली लेट हूँ. आई टेक लाइक 3 to 5 मिनट्स टू गेट रेडी. तो मेरे को टाइम कॉल टाइम ही वैसे दिया जाता है कि आप आराम से आना, इतने बजे आना, 5 मिनट में आपको अंदर आके वैसे भी शॉट देना. तो लेट नहीं होता था लेकिन मैं लेट हो ही जाती थी. या सो बोथ ऑफ अस. सेल्फी हॉलिक. मेक दैट सेल्फी फेस. मेक दैट सेल्फी फेस. शाइन. दिस इज शाइन अफरीदी फेस. depends. तुम लोग अनकंडीशनल प्यार करते हो यार. जब से देखो प्यार किए जा रहे हो यार. क्या करे यार. ठीक है करते रहो. चलो वी लाइक इट. कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. वी लव इट एंड वी लव टू एंटरटेन यू. वी आर वेरी सॉरी हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं है बट हम हमेशा कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए. हम लोग देखते बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं तो चलो आज कुछ ना कुछ बना के डालते हैं. सो या वी थैंक यू फॉर ऑल योर पेशेंस एंड लव ऑलवेज. लव यू.